नमस्कार स्टूडेंट, राजकीय विधि महाविद्यालय चोरू यानी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चोरू के रेगुलर एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। काफी दिन से विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर एलएलबी के एडमिशन कब शुरू हो रहे हैं चोरू लॉ कॉलेज के, तो मैं सभी विद्यार्थियों को जानकारी दे दूं कि चोरू के अंदर जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है यानी राजकीय विधि महाविद्यालय है, उनके रेगुलर एडमिशन जो है वो शुरू हो चुके हैं। रेगुलर एडमिशन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के बारे में मैं आप लोगों को इसी वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपको कैसे एडमिशन का प्रोसेस करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, कैसे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन का फॉर्म भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ अटैच करने हैं, कितना बजे तक आपके डॉक्यूमेंट वहां पे जमा होंगे, कितनी तारीख को आपकी मेरिट सूची आएगी, कब तक आपको फीस जमा करनी है, इन सभी जानकारियों के साथ इसी वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। इस जानकारी को सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चोरू से एलएलबी करना चाहते हैं और उसमें रेगुलर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सभी विद्यार्थी, अगर वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो सभी के साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ताकि समय समय पर मैं आप लोगों को इस प्रकार की जानकारियां जो है वो मैं आपको देते रहूं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कि इसकी पिछले वर्ष की जो कट ऑफ थी वो क्या रही थी, ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी एससी एसटी की कौन कौन सी मेरिट रही थी, उसके बारे में भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। रेगुलर एडमिशन राजकीय विधि महाविद्यालय चोरू गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चोरू के एडमिशन की प्रोसेस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 13 तारीख से एडमिशन शुरू हो चुके हैं। एडमिशन प्रक्रिया जो है वो 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक चलेगी। समय आपके पास बहुत कम है। सभी विद्यार्थी जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो सभी विद्यार्थी समय पर अपने डॉक्यूमेंट के साथ राजकीय विधि महाविद्यालय में 1 बजे से पहले पहले यानी 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में वो अपने डॉक्यूमेंट लेकर और फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म को लेकर वहां पे पहुंचे। और किसी भी प्रकार की अगर आपको फॉर्म भरने में समस्या आ रही है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगा। जो भी चोरू आने वाले जो विद्यार्थी हैं, ऑफलाइन फॉर्म भरने की कैसी प्रक्रिया होती है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, कैसे भरते हैं और डॉक्यूमेंट्स की भी जानकारी आप लोगों को साथ साथ में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो जो भी विद्यार्थी चोरू में एडमिशन लेना चाहते हैं वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, भानोई मित्र चोरू जो लोकेशन है उस पर आके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो एडमिशन की जो स्टार्टिंग तिथि है वो 13/11/2024 है, इसकी अंतिम तिथि 15/11/2024 है और मेरिट सूची जो है वो 16/11/2024 यानी 16 तारीख को आपकी मेरिट सूची आ जाएगी। किस किस विद्यार्थी का एडमिशन में चयन कॉलेज में एडमिशन में चयन हुआ है उसकी सूची जो प्रकाशन जो है वो 16 तारीख को आ जाएगी। 16 तारीख के बाद यानी 17 और 18 तारीख को आपको जिन विद्यार्थियों का एडमिशन कंफर्म हो चुका है ऐसे विद्यार्थियों को अपनी 17 और 18 तारीख को 1 बजे से पहले पहले अपनी कॉलेज की फीस जमा करानी है, रेगुलर एडमिशन की फीस को जमा करना है और जमा करने के बाद जो फाइनल सूची आएगी तभी आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म माना जाएगा। साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैं जानकारी आपको बता दूं कि इसके साथ डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको अटैच करने हैं। तो सबसे पहले इसके साथ ऑफलाइन का फॉर्म होगा। ऑफलाइन का फॉर्म आप किसी भी ई मित्र पे ले सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। चाहे तो आप ऑफलाइन मेरी यहाँ पे ई मित्र पर आकर भी आप ऑफलाइन का फॉर्म ले सकते हैं, यहाँ पर अवेलेबल है। इसके साथ डॉक्यूमेंट संलग्न होंगे। अगर विद्यार्थी यूजी के साथ एडमिशन लेना चाहता है, यूजी के मार्क्स पर अगर एडमिशन लेना चाहता है तो 10th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल 500 साल की मार्कशीट, जाति मूल, अगर आप बीपीएल कैटेगरी में हैं तो आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड और आपका आय प्रमाण पत्र, टीसी और सीसी ये दोनों आपको साथ में लेके आनी है, जिसकी अभी आपको वर्तमान में सिर्फ फोटोकॉपी साथ में ऐड करनी है। आपका एडमिशन अगर कंफर्म होता है तो फिर आपको वहां पर ओरिजिनल जो है वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी, वरना एक बार आप जब डॉक्यूमेंट जमा करो उस वक्त आप टीसी और सीसी की फोटोकॉपी साथ में ऐड कर सकते हैं। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको फोटोकॉपी ही साथ में लगानी है और ऑफलाइन का फॉर्म साथ में भर देना है। डॉक्यूमेंट एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए, ये 10th 12th की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल की मार्कशीट। अगर आप पीजी बेस पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपकी पीजी की फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की दोनों साल की जो मार्कशीट है उसकी भी फोटोकॉपी आपको साथ में ऐड कर देनी है, ताकि आपका जो परसेंटेज पीजी का है उसी के आधार पर भी आपका एडमिशन वहां पे हो सकता है।
जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, अगर आप बीपीएल कैटेगरी में हैं तो बीपीएल का राशन कार्ड, अगर इसके अलावा किसी भी विद्यार्थी के पास में एनएसएस, एनसीसी या अदरवाइज कोई खेलकूद प्रतियोगिता का कोई भी प्रमाण पत्र साथ में है, उसका अगर वो बोनस अंक एक्स्ट्रा अगर प्राप्त करना चाहता है तो ऐसे विद्यार्थी अपना डॉक्यूमेंट जो है वो उसके साथ अटैच कर सकते हैं ताकि आपको उसमें कुछ 1 या 2% का जो बेनिफिट है वो मिल सके। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों को टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है। जो विद्यार्थी चूरू से बाहर के हैं उन विद्यार्थियों को टाइमिंग का विशेष करके ध्यान रखना है कि आपको डॉक्यूमेंट जमा करने का जो टाइमिंग है कॉलेज का ये 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का है। 1 बजे के बाद हो सकता है कि वो आपसे डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे, इसलिए जो भी विद्यार्थी अपना एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे कॉलेज में वो सभी विद्यार्थी 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करें। 1 बजे से ज्यादा लेट न करें ताकि आप लंबे दूरी से तय करके यहाँ पे आएं और उसके बाद आपको ये लगे कि आपके डॉक्यूमेंट अभी जमा नहीं होंगे, कल होंगे, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो दूर से आने वाले सभी विद्यार्थी जो हैं तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखेंगे कि वो 1 बजे से पहले पहले कैसे भी अपनी व्यवस्था करके पहुंच के अपने डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा आपको कट ऑफ की कि इसकी पिछले साल की कट ऑफ क्या रही है, कितने परसेंट तक पिछले साल के जो एडमिशन है वो एडमिशन कंफर्म हुए थे। तो अगला वीडियो जो मेरा आ रहा है उसमें आप बिल्कुल देख लेना, जहां पे आपको कट ऑफ की पूरी जानकारी मिल जाएगी। सभी विद्यार्थियों से मेरा एक बार विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना सभी विद्यार्थियों के साथ, ताकि काफी विद्यार्थी जो दूर के हैं, बाहर के हैं, जिनको पूरी जानकारी मिल जाए तो वो अपना पूरा तैयारी के साथ जो है वो यहाँ पे पहुंचे, उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। सभी विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।